सौरभ भाई अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ नाम क्या? बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी, और बर्ड सेंचुरी है, और ये है कहाँ पहले ये बताओ दर्शकों को। नोएडा और दिल्ली के बीच में। ऐसा लगेगा नहीं कि हम नोएडा और दिल्ली के बीच में खड़े हैं। अभी पीछे का व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखिए जन्नत, जन्नत के दर्शन। ओ भाई क्या व्यू आ रहा है। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया सही में। इसमें खड़े हो सकते हैं। ये देखिए नोएडा और दिल्ली के बीच में ओखला बर्ड सेंचुरी, बेहतरीन नज़ारा। इसकी हेल्प से हम यहाँ बैठे हैं। इसको ही ले लेते हैं, इसी को उठा लेते हैं। ये चीज़ देखिए, मेरे ख्याल से एक्वेरियम के लिए बेस्ट रहेगा ये चीज़। जैसे हमने इसे तोड़ा, एक हाथ से ही टूटा, और यकीन मानिए ये फॉर्म है, पूरा फुल फॉर्म, पूरा कंप्रेस हो जा रहा है। ये देख सकते हैं आप किस टाइप का इसमें इसका पैटर्न बन रहा है। और जो हम इसको पानी में फेंक रहे हैं, कितना अच्छा फील आ रहा है। वाह, अभी हम आ रहे हैं और यहाँ इतनी शांति है ना, कुछ बोलने का मन कर रहा है सौरभ भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यू देखने का मन कर रहा है। ये देखिए सामने का व्यू, क्या मज़ेदार व्यू। ओनली 30 रुपीज़ एंट्री फीस है। अगर आपके पास कैमरा है तो आप कैमरा कैसे ला सकते हैं? अगर आपके पास दोस्त हैं तो उन दोस्त से बोलिए कि लेंस तू ले जा, बैटरी तू ले जाओ, और ये सब सेपरेट करके ले आना। उसके बाद आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगी, और अंदर आके असेंबल करके अपना शूटिंग जो भी करना है करना। ये पेड़ यहाँ से उग रखा है, ये पेड़, फिर दूसरा पेड़ भी यहीं से, पांचों आठों सब यहीं से। और जैसे ऐसी जगहों में सांप रहते हैं। देखते हैं हमें कुछ मिलता है नहीं मिलता यहाँ से। अभी यहाँ माहौल बिल्कुल साफ है पूरा। अगर आप ऐसे ही घूमते रहें तो आपको कुछ नई चीज़ दिखेगी, हर जगह कुछ नई चीज़ दिखेगी। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ आप पेड़ के पास जाके आराम से एक फ़ोटो खिंचा सकते। ये मेरे को पता नहीं चल रहा है ये पेड़ ऐसे कर रखे हैं या पहले से हुए पड़े हैं, क्योंकि हर पाथ पे ऐसे पेड़ हुए पड़े। जिसका स्पेस बड़ा होगा वैसा जानवर होगा इधर, क्योंकि एक गैप बना रखा है जो नॉर्मल जानवर नहीं बना सकते। और जो शांत रहना चाहते हैं, जो अकेले रहना चाहते हैं, उनके लिए तो ये जगह जन्नत से कम नहीं है। अब हम अंदर जा रहे हैं तो भाई क्या डरावना लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है किसी चीज़ का घर है यहाँ, देखना पड़ेगा क्या है। हाँ सांप ही था यार, खतरनाक ही सांप था उधर। तो आगे हमें साइन दिख रहा है 1142, इसका मीनिंग हम दोनों में से किसी को नहीं पता। मगर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ऊपर, भाई कितना बड़ा, देखो ये देख रहे हो कितना बड़ा छत्ता है इधर, और इसमें सारी मधुमक्खियाँ हैं अभी। भाई कितने क्वांटिटी में, करीबन लाखों से ऊपर मधुमक्खियाँ होंगी उधर, देख ही रहे होंगे आप। ये देखो सारी मधुमक्खियाँ हैं इधर, और तकरीबन इसमें होगा 7-8-10 किलो से ऊपर शायद होगा इस छत्ते में। क्या कहते हो, निकाल दे छत्ता क्या सौरभ भाई? ना इधर भग सकते हैं ना उधर भग सकते हैं, सामने समंदर है तो कुछ ऐसा कुछ करना नहीं है हमने। एक मधुमक्खी गाल पे आ गई थी, तो यहाँ से बड़ी डेंजर जगह है। हाँ ये भाई, ये वाली तो बड़ी डेंजर जगह है, यहाँ बहुत ख़तरनाक सी। ओए कोयल जा रही हो आगे। ये देखो यहाँ किसी की हाथा पाई हुई होगी, सारे के सारे यहाँ स्पंज सब तोड़ रखे हैं। ऐसी लाइफ होनी चाहिए, बर्ड्स लाइफ मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छी लाइफ है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए अंदर जाके दिखाता हूँ। अब मेरे को इतना बड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा। ये देखिए इतना बड़ा अंदर, ऐसा बिल्कुल एक हर टाइप का बना पड़ा है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिक्स।
ये देखिए कितना डस्ट भी आ रहा है बाहर, वापिस ही जाते हैं यार, कोई रिस्क नहीं लेना है। अबे शोर ना करें कृपया। और भाई इतनी हाई वोल्टेज तारे ऊपर, कैसी आवाज़ आ रही है इनसे यार, बहुत ख़तरनाक आवाज़ आ रही है। नीचे भी सारा फॉरेस्ट ही है, बहुत घना जंगल है नीचे, बहुत घना जंगल। तो अभी नीचे नहीं जा रहे हम, साइड बाय साइड लेंगे, इसके अंदर जाता हूँ। इसके अंदर ऐसे लग रहा है ना सांप रहते होंगे, ये देखिए अंदर तक ही चले जाता हूँ। अंदर तक आपको अभी कुछ दिखेगा नहीं, अंधेरा है। ये देखिए गाइस, आपको सामने दिख रहे होंगे सारे के सारे बत्तख जो उड़ रहे हैं, उनको पता नहीं क्या बोलते हैं। काफ़ी स्पीशीज आती हैं यहाँ बर्ड्स की। ये वॉच टावर का रास्ता, जो कभी भी टूट सकता है, इसका कोई गारंटी नो वारंटी। इतना हाईटेक पुल नहीं है, बस ये है काम चलाओ पुल है। पूरा फील आएगा आपको जैसे आप गिरने वाले हो, बिल्कुल फील किया कभी गिर भी सकते हो आप इधर। मगर मेरे को ये बात बहुत बुरी लगती है कि कोई आता है यहाँ घूमने और उसके बाद यहाँ ऐसे प्लास्टिक की ये चीज़ें फेंक रखी है, प्लास्टिक की बोतलें फेंक रखी है। अरे भाई तुम आते हो घूमने तो घूमो ना नॉर्मली, और बैग में जो भी चीज़ लाते हो खाने के लिए वापस ले जाओ। ऐसा कहेंगे तो लोग बुरा मानेंगे, लोग बुरा मानेंगे तो क्या कर सकते हैं। अब यहाँ गाय भैंस सब मिलेंगे, यहाँ कुछ और भी चल रहा है, मतलब घोड़े हैं भाई, गाय क्या गाय है भाई, बड़ी बड़ी भाई वॉच टावर गाय यार। आगे यहीं से अब इसको क्रॉस कैसे करें, ऐसा लग रहा है कि लात मार के ना कूद गए हम तो भैया। सौरभ भी कूद चुका है। पिहाड़ी लग रहा बिल्कुल, बेयर गिल्स वाली फीलिंग आ रही है भाई, लाजवाब। इसके अंदर सांप कीड़े बिच्छू जो चीज भी हो सकती है ना, खतरनाक से खतरनाक सब मिलेगी। तो गाइस वॉच टावर तो मेरे को दिखाई नहीं यहाँ से तब से। वॉच टावर कहाँ होगा, वॉच टावर से तो पूरा नोएडा दिख सकता है हमको। चलिए देखने की कोशिश करते हैं पूरा नोएडा इस वॉच टावर से। ये है वॉच टावर, इसके ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं कितना बड़ा है भाई। बड़ा तो काफी है, एक बार में 6 व्यक्ति। तो ये देखिए ओखला बर्ड सेंचुरी, ये है वॉच टावर पूरा। मतलब अभी के टाइम तो ऐसा लगेगा नहीं कि आप कुछ ज्यादा अच्छा है, मगर जो शाम को जब जो सूरज है वो नीचे आएगा और जब रेडिश होता है सूरज, क्योंकि सन्स की वेव आती है वो तो पता ही होगा आपको, तो उस वजह से जो सन होगा रेड होगा और माहौल बिल्कुल ऐसा होगा कि भाई यहीं बैठे रहें। मगर अभी के टाइम में कुछ खास नहीं है। तो गाइस ऐसे ही व्लॉग और ऐसी ही चीज़ों के लिए मेरा चैनल करें सब्सक्राइब। यहाँ किसी ने ब्रीडिंग कर रखी है, आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये सी प्लांट है जो कभी सड़ता नहीं पानी में, उसके बाद इसकी रूट्स देख सकते हैं आप, इस टाइप का प्लांट है। रूट्स देख सकते हैं, रूट्स में सारे यहाँ एक कट्स लगे हैं, कटिंग हो रखी है। उसके बाद जैसे थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, ये जो दिख रहा है आपको चिपका चिपका पदार्थ, ये बेबीज़ हैं और वो धीरे धीरे करेंगे ग्रो। तो इसको डाल देते हैं पानी में, आपको फिर से दिखाता हूँ ये चीज़। ये देखिए ऐसी चीज़ें, ये मेरे ख्याल से पानी में भी सूटेबल है, आप घर में ले जाइए यहाँ से उठा के और घर में बिल्कुल ऐसा लुक आएगा। ये जैसा आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा बर्ड सेंचुरी में आके
राइड मिल लिया। राइड भी किस चीज की है? साइकिल। साइकिल की राइड। आप यहाँ काम करते हो जी? तो भैया यहाँ के बारे में कुछ बताओ, अच्छा सा बढ़िया सा, मतलब जो हमें पसंद आए कि हाँ भाई क्या चीज है ये, ऐसा कुछ चीज। मुझे खुद नहीं पता है, मैं मुझे दो दिन हुआ है अरे भैया दिल दुखा दिया यार भैया, दो दिन बोल गए मतलब ऐसा लग रहा है ना सच में कि साले खुद ही जाऊं। खुद ही घूम रहा हूं आज। अच्छा आज छुट्टी था। अच्छा अच्छा आप छुट्टी था आज। मैंने कहा पैदल कहाँ घूमूंगा, साइकिल से घूमता। फिर भी ऐसा क्या चीज है यहाँ ओखला बर्ड सेंचुरी में? कुछ हमको तो समझ में नहीं आ रहा क्या है यहाँ। चिड़िया बताते हैं, चिड़िया पता नहीं कहाँ पे चिड़िया है क्या है भाई। ओखला बर्ड सेंचुरी में भैया चिड़िया दिखी अभी कुछ? चिड़िया तो पानी में रहती है। वो चिड़िया है वो बत्तख है वो वाले, बस वही दिखे और कुछ नहीं दिखे। और क्या ही, पतेड़े में इधर बैठी रहती, टावर पे आदमी जाके देखता है बस और कुछ नहीं। अच्छा टावर कैसे लगा आपको? जैसे आप काम कह रहे हो दो दिन हुए, तो टावर का मतलब कुछ बढ़िया लगा टावर में? टावर लंबे लंबे होंगे टावर? यही जहाँ गए थे आप कितने बड़े थे? इतना ही बड़ा तो टावर है कितना बड़ा इसे टावर बोलते हैं भैया बताएंगे कितना बड़ा टावर था भाई वो बारह फीट का था। ओखला बर्ड सेंचुरी में अकेले मत आए, अकेले कोई मजा नहीं है, या फ्रेंड के साथ आए या फ्रेंड के साथ आए। और मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में सौरभ भाई के साथ। सौरभ भाई बाय बाय।